इधर राजनांदगांव में बीते 22 नवंबर को हुई हत्या की गुत्थी राजनांदगांव पुलिस द्वारा सुलझा लिया गया है। मृत व्यक्ति का नाम सुरेश बताया जा रहा है। मामले की खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक सुरेश को प्रकाश गोलछा के फार्म हाउस में कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाया गया और लाश को पारेरी नाला राइस मिल के पास फेंक दिया गया। हत्या का मुख्य आरोपी प्रकाश गोलछा घटना के बाद से फरार है। वहीं अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तारीख को पुलिस को पड़ी नाला के पास एक बॉडी मिली थी जो 8:30 बजे सुबह सूचना मिली थी। उसके ऊपर मर्द कायम कर उसी समय उसको जांच में लिया गया था, जिसमें मृतक का नाम सुरेश जोशी, पिता मदन लाल जोशी, उम्र 52 वर्ष, ये अरियन टावर मानव मंदिर के पास रहते थे। इनका शव शिनाख्त हुआ था। शव के साथ में एक सुसाइड नोट भी हैंड रिटन मिला था, जिसमें उनके जो मालिक थे जहाँ पे वो काम करते थे ज्ञानचंद बाफना, उनके और उनके परिवार के भी उसमें लिखा था।